हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल न्यूज़ के विदाउट सबसे खतरनाक वाले न्यूज़ में। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि जो भी फ्रेंड्स आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड एनएसपीएस स्कॉलरशिप 2022 में लगभग कितने स्टूडेंट को मिलने वाला है स्कॉलरशिप, तो 6 लाख अब विद्यार्थियों को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग वीडियो अंत तक देखिएगा, तभी आप लोग समझ पाएंगे कि एनएसपी में जो 6 लाख स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन होने वाला है वह कैसे होने वाला है और कैसे मिलेगी आप लोगों को साल में 12,000 रुपये। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, तो ऊपर में तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो 2022 के तहत एक बार जो पंजीकरण कर लिया होगा, जितने स्टूडेंट हैं अगर एनएसपी यानी कि बिहार बोर्ड एनएसपी और स्कॉलरशिप के तहत एक बार अगर रजिस्ट्रेशन करा लिए होंगे, अगर एक बार पंजीकरण करा लिए होंगे, तो आपको देश के सभी स्कॉलरशिप योजना का पूरा लाभ उठाने का क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मैं आगे इस न्यूज़ आर्टिकल के माध्यम से आपको बता दे कि कैसे आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पेपर का एक कटिंग है, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के लिए 6 लाख छात्रों का होगा क्या पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन होगा। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट के 6 लाख छात्रों और छात्राओं का नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है यानी कि एनएसपी पर पंजीकृत होने का मौका मिलेगा। एक बार एनएसपी पर पंजीकृत होने के बाद हर तरह की छात्रवृत्ति का क्या मिलेगा, उनको जानकारी मिलते रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो एक बार एक चीज़ और मैं बता दूँ कि एनएसपी पे एक बार आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लेंगे ना दोस्तों, तो अगला बार आप लोगों को कोई पैसा कोई चार्ज नहीं लगेगा रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एनएसपी में जो ऑल स्ट्रीम है उनका जो विद्यार्थियों का शामिल होंगे इसमें कोटिवार छात्रों के लिए कट ऑफ जारी किया जाता है। मतलब देख सकते हैं 2021 में सभी का क्या कर दिया गया था, जारी कर दिया गया था, और इस बार जो 2021 का जो लास्ट कट ऑफ था कितना था, 349 रखा गया था। ये 2021 का यहाँ पर दिया गया थोड़ा सा जानकारी। ठीक है, इस बार जो 2022 का जो कट ऑफ होगा फाइनल कट ऑफ वह 350 जाने की संभावना जताई जा रही है, इसलिए इस बार कितने लाख का रजिस्ट्रेशन होने वाला है, 6 लाख का रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, इकाई नहीं संक्र 1,000 10,000 लाख। ठीक है, इस बार इतने लोगों का क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। तो चलिए इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी लेते हैं, और मैं आप लोगों को बता दूं जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक क्या कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते, जारे आंकड़ों के अनुसार इस बार कुल कितने विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन होने वाला है एनएसपी पर, तो 6 लाख स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, तो आपको मैं बता दूँ कि जैसे ही आए इसकी सारी जानकारी आपको मिलेगी, मैं आप लोगों का क्या करूँगा, पल पल की खबर देते रहूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको जो जानकारी मिलने वाली है वह है कि आप लोग कैसे इसका क्या करेंगे, आवेदन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि वही आपको बता दें कि नेशनल पोर्टल पर पंजीकरण के शुल्क की चिंता कर रहे हैं, तो आपको बताना चाहते हैं कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर पंजीकरण के लिए कोई भी शुल्क देना नहीं पड़ता है। ठीक है, दूसरी बात समझ लें तो बिहार बोर्ड एनएसपी स्कॉलरशिप में पंजीकरण के लिए बिहार बोर्ड द्वारा सभी विद्यार्थियों को कोटिवार सूची जारी करेगा, जिसमें विद्यार्थी का नाम होगा उनका नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर पंजीकरण किया जाएगा। आगे देख लेते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इस बार प्रथम श्रेणी में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 4,52,171 है, वही साथ ही साथ द्वितीय श्रेणी में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 5,10,831 आदि। तो आपको बता दें कि इन सभी को क्या मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगा, और कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन होने वाला है इस बार, तो 6 लाख स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन होगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और